अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, प्यारे दोस्तों, ईद का दिन था तो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और पास आकर फरमाया कि नाना जान, सबके पास सवारी है लेकिन हमारे पास कोई भी सवारी नहीं है, हमें भी सवारी पर सवार होकर बैठना है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को अपने एक कंधे पर और इमाम हुसैन को अपने दूसरे कंधे पर बिठा लिया और फरमाया कि हसन बेटा, मेरे सर मुबारक के आधे बाल तुम पकड़ लो और आधे बाल हुसैन तुम पकड़ लो, और साथ ही फरमाया कि मैं तुम्हारी सवारी हूँ। और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों शहजादों को कंधों पर बिठाकर जब घर से बाहर निकले तो ये मंजर जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा तो उन्होंने कहा, ऐ हसन और हुसैन, तुम्हारी सवारी कितनी खूबसूरत है। तो इसके जवाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उमर, तू सवार भी तो देख कितने खूबसूरत हैं। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक भी कर दें। शुक्रिया।